हेलो, मैं हूँ शालिनी उमलेकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों के अभी एग्ज़ाम आ गए हैं नज़दीक और अभी मैं आप लोगों का रिवीजन मैंने शुरू कर दिया है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है बच्चों, तो आप लोगों का कोई भी नुकसान न हो। तो मैं लाइव स्ट्रीम में जब आपको एक्सप्लेन करूंगी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स और पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो ज्वाइन करें और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करें। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरा ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्जेस पे करने नहीं है। तो क्यों ना भाई, इस अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और लाइव में सीखा जाए शालिनी हुबलीकर के साथ। ओके, तो नेशनली नहीं तो इंटरनेशनली भी पॉपुलर है मेरा चैनल। तो चलो, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती का फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पेपर आता है तो वो किस तरह से आएगा एसएससी में, तो ये सैंपल पेपर्स है, यही पेपर आपको एग्जाम में आएगा ही, ऐसा नहीं है। तो किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, तो आप लोग उसे किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर सवाल क्या पूछा है वही समझ में नहीं आया तो जवाब कैसे लिखोगे आप लोग, है ना। तो ये होगा समय पूरे 3 घंटे और कुल अंक हो गए 80 मार्क्स। ओके, फिर सूचना यानी इंस्ट्रक्शन, सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। तो मेरे इसके पहले के जो वीडियोस है उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आकृति कृतियों में ही लिखना है, यानी अगर बॉक्स में आप लोगों को आंसर दिया है लिखने के लिए तो आप लोगों को पेन से बॉक्स निकाल कर ही आंसर लिखना है। अभी आगे आएगा वो हम लोगों को, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए, तो आप लोगों को पेंसिल यूज नहीं करना है, उसके लिए पेन ही यूज करना है। 3, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आप लोगों को बॉक्स पेन से बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो रेगुलरली लिखते हैं ना क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो आप लोग लिखिए। उसके बाद है शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित, तो आपकी जो राइटिंग होगी आंसर शीट के ऊपर वो क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको हॉल टिकट का नंबर, रोल, वो सब लिखना होता है, वो सब आपको दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन। और फिर और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पेपर लिखते समय इंक भी चेंज किया पेन का, तो आप लोगों को आपके क्लास में जो सुपरवाइजर्स है तो उन लोगों से उनका सिग्नेचर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ही उसे वैलिड माना जाएगा, वरना हो सकता है कॉपी केस करके वो लोग 0 मार्क्स दे दे आप लोग को। इसके लिए एक तो एक जैसे पेन ऐसे होता है, कभी कभी बहुत मजबूरी हो जाती है, कभी कभी ब्लैक पेन से लिखने को शुरू करते हैं और किसी के भी पास हमें ब्लैक पेन नहीं मिलता है, और बैड लक ऐसा कि हमारे पास भी नहीं है ब्लैक पेन, तो फिर ब्लू पेन से अगर कंटिन्यू करना पड़ेगा तो सिग्नेचर लेने के लिए सुपरवाइजर को बताना पड़ता है कि मिस मैं ये पेन चेंज कर रही हूँ, मुझे इसके लिए आप परमिशन दे दो। तो जब वो टीचर साइन करेगी तो ही उसके मार्क्स आगे वो लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना आप लोग, ओके। और जिन बच्चों को आदत नहीं है ऊपर लाइन मारने की, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को ऊपर लाइन मारना बहुत ही जरूरी है, ओके। तो ये वाली गलतियां आप कभी मत करना, और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं सवाल जवाब, तो उसके लिए नंबर्स जो है उसे बराबर से लिखिए। नंबर आगे पीछे करोगे
तो आपके पूरे मार्क्स गए। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग। मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आंसर नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग आंसर लिख पाओगे, ऐसी मुझे गारंटी है। फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अभी विभाग एक गद्य 20 अंक, प्रश्न एक अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये है कुल 8 मार्क का। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। गोप्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा, यानी दोनों ने एक साथ बोला चश्मा रामस्वरूप जरा सकपकाकर। जी वह तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अभी ये देखो तुम लोग का ये लेसन है ना, वो लड़की देखने के लिए जाते हैं, फिर उसको उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, वो लेसन है तुम लोगों को, उसमें का ये पैराग्राफ है। आई थिंक रीढ़ की हड्डी है वो लेसन। यस, रीढ़ की हड्डी ही है। तो गोपाल प्रसाद, पढ़ाई पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, पढ़ाई वढ़ाई, देखो ये आपको पैराग्राफ मिल जाएगा बुक में। राम स्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाइए मेरे चैनल में और इसका मैंने लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देखेंगे ना आप लोगों को तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? अभी वो जो आए ना लड़के वाले देखने के लिए, वो उसे पूछ रहे हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई एकाध गाना सुना दो, सितार भी बजा दो। उमा सितार मीरा का मशहूर भजन, मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है, उसकी आंखें शंकर की झेमपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, यानी इतना ही काफी है। और अभी उसने पहली बार लड़के की ओर देखा उमा ने, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो ना बेटी, यानी और रुको अभी ऐसे। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठो, बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से जो तुमने पेंटिंग वेंटिंग की पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह तो तस्वीर टंगी हुई है, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह भी दीवार पर भी, और वह उस दीवार पर भी। ठीक है, तो इस तरह से ये है आप लोगों का पैराग्राफ। आई थिंक इतना ही है ये पैराग्राफ अभी। हाँ है, आगे है। गोपाल प्रसाद, हूँ यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजे भी है करके हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। तो अभी देखो भाई, इतना ये पैराग्राफ है, तुम्हें कुछ प्राइजेस वगैरह भी मिले हैं क्या, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को एक में उन्होंने दिया है, लिखिए उमा की विशेषताएं। तो उमा की क्वालिटीज क्या क्या है, ऐसे स्पेशल उसमें ऐसा क्या है। तो इसमें आप लोग जब आंसर लिखोगे तो उसमें से स्पेशल क्या है उमा में, तो ये पैराग्राफ में से आपको ये ढूंढना है। ठीक है,
तो ये देखो, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो चश्मा लगाती है। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो चश्मा लगाती है उमा, और वो गाना गाती है, बाजा बजाती है, गाना गाती है, सितार बजाती है, और पेंटिंग करती है। हाँ, और पेंटिंग हो गया, और क्या करती है उमा, सिलाई सिलाई करती है। ये देखो, सिलाई करती है। हो गए, चार पूछे उन्होंने, मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स दिए। और आकृति यानी ये जो इन लोगों ने ऐसे निकाला हुआ है ना बॉक्स, तो ये आप लोगों को इस तरह से निकाल कर अच्छे से पेन से, ठीक है, मेंशन किया है, पेन से निकाल कर आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं। अभी दो है जोड़िया मिलाइए, ये मैं आप लोगों को बाद में पूरा पेपर देने वाली हूं, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो जोड़िया मिलाइए, तो मैच द फॉलोइंग, ओके, अ और ब को मैचिंग करना है। सक पकाना, सक पकाना, मैचिंग में आएगा चश्मा, ठीक है, क्योंकि चश्मा देख के वो लोग एकदम से ऐसे सक पका गए ना वो, तो सक पकाना का चश्मा। अरे मैं आंसर क्यों बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है चलो, पेपर सॉल्व करोगे तो देखना मत। भजन किसका गाया था उन्होंने, मीरा का भजन गाया था। तस्वीर किसकी थी, कुत्ते वाली थी। और बाजा किसके ऊपर बैठ के बजाया था, तख्त के ऊपर, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट, तीन, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। दीवार एक वचन का अनेक वचन है, अनेक वचन का एक वचन करना है, ठीक है। तो दीवार का आएगा दीवारे, और आंखे का आएगा आंख, ओके। टू है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो एक है सिलाई और दूसरा है तख्त। सिलाई का कौन सा लिंग आता है, सिलाई आती है स्त्रीलिंग, और तख्त जो है वो आता है पुल्लिंग, ओके। फिर उसके बाद है फोर, गोपाल प्रसाद बहू में गाना बजाना, सिलाई पेंटिंग आदि गुण चाहते हैं, पर पढ़ाई नहीं, क्या यह उचित है? इस बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी देखो इसमें आपका आया है स्वमत, ठीक है। तो अभी वो अपने बेटे के लिए जो लड़की देखने के लिए गए हैं उमा को, तो वो नहीं, उसको है ना गाना बजाना आए, सिलाई आ रहा है, पेंटिंग आती है, अच्छे गुण भी उसको चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, तो ये उचित है क्या, यानी ये सही है क्या, इज दिस करेक्ट? तो अगर नहीं है सही, तो वो क्यों सही नहीं है, तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो आप लोगों को बताना है इसमें लिख कर, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गाड़ी ले हम चल पड़े, क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है, जिसके वहां खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अभी वो लोग गाड़ी लेकर गए थे, उन लोगों को कहीं पर खाने का इनविटेशन था, तो वहां पर गए, एक तो गाड़ी जो बहुत शानदार थी, गाड़ी की सवारी करके वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये आपको लेसन याद आ गया, कौन सा लेसन है। सही,
पिताजी की गाड़ी लेकर वो लोग चले गए थे। कौन सा है ये, क्या है लेसन का नाम भाई, कोई बताएगा मुझे? करेक्ट, ईमानदारी की परिमूर्ति, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री का जो बेटा था वो उनकी गाड़ी लेकर गया था उनके परमिशन के बिना, तो उन लोग को वहां पर लेट हो गया था। इसका भी एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस देखिए। याद आया, बाबूजी आ गए होंगे, अभी लेट हो गया उन लोगों को वहां पर, और उनके पिताजी अभी अब तक घर पे आ गए। वो लोग क्या गलत काम किया था उन लोगों ने, वो लोग गाड़ी लेकर गए थे। वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, फाटक से पहले यानी गेट के बहुत दूर, थोड़ा सा दूर ही उन लोगों ने वो जो गाड़ी थी उसे रोक दी। उतर कर गेट तक आया, फिर वहां से उतरे और गेट तक चलते हुए वो लोग आए। सैल्यूट वैल्यूट, बस धीरे धीरे गेट खोल दो, सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारना, ठीक है? एक हिदायत ये थी। और फिर वह दरवाजा आवाज करे तो, दरवाजा गेट खोलो और दरवाजा आवाज करे तो बंद मत करो, उसे खुला ही छोड़ दो। तो ये दो हिदायत उन्होंने दिए थे, तो यहाँ पर भी दो पॉइंट्स दिए हैं आप लोगों को, तो वो लिखना है आप लोगों को, ठीक है? सैल्यूट मत करो और दरवाजा अगर आवाज कर रहा है तो उसे खुला ही छोड़ दो, दो लिखिए। दूसरी इकाई पाठ पांच परिच्छेद क्रमांक एक कृति एक चार एक, शान की सवारी याद आने का परिणाम। तो शान की सवारी याद आने का परिणाम डर ना इसमें ही है। संतरी को हिदायत दी, जो उनका वॉचमैन था ना उसको उन्होंने हिदायत दी, यानी वार्निंग टाइप होता है ये वर्ड, के जैसे हम लोग किसी को ऐसे देते हैं ना कि अरे बताना मत बाबा तू ऐसा कुछ है करके, ऐसे यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं। अगर वो सैल्यूट करेंगे तो पैरों के आवाज आएंगे ना, फिर उनके पिताजी को पता चल जाएगा कि वो आ गए है करके। नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, धीरे से क्या करो, गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। अगर गेट खोलने के बाद अगर वो आवाज करता है ना, गेट देखो कभी कभी आवाज आती है गेट में से, जब खोलते तभी ऐसे हॉरर मूवी में देखा हमने, ए करके आवाज आता है, फिर बंद करते तो ऐसे आवाज आता है, तो ऐसे आवाज से भी उनके पिताजी जाग जाएंगे, तो इसका उन्हें डर था। तो उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई बिल्कुल भी आवाज मत करना। तो ऐसे सोच रहे थे वो लोग कि अभी जाएंगे हम लोग चुपचाप जाकर सो जाएंगे। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? फिर अभी अगर आवाज हो जाएगी वो सैल्यूट मारेगा, फिर उसके बुट के आवाज आएंगे, फिर गेट के आवाज आएगा चर्र पर का, फिर इस तरह से बाबूजी क्या होगा, शायद उनको पता चल जाएगा कि ये लोग अभी आ गए हैं, वे बेकार में पूछताछ करेंगे, फिर वो इंक्वायरी करेंगे, अरे तुम लोग कहाँ गए थे, इतनी रात तक क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्या गए थे, वो तो फिर इंक्वायरी करेंगे ही। अभी बात ताज़ा है, यानी अभी अभी ये इंसिडेंट हुआ है ना, इसके लिए वो बात क्या है, ताज़ा है, एक फ्रेश इंसिडेंट है, अभी हुआ है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, तो कल मॉर्निंग तक सब भूल भी जाएंगे, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा रात को क्या हुआ था करके। ओके, संतरी ने संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। अभी संतरी ने भी, अभी देखो मिनिस्टर का बेटा है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसकी बात तो वो मानेगा ही, फिर उसने भी वैसे ही किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। अभी वो दबे पैर यानी एकदम धीरे धीरे, कैटवॉक बोलते हैं ना, एकदम धीरे धीरे की आवाज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो इस तरह से वो किचन के दरवाजे से, पीछे किचन के दरवाजे से वो लोग अंदर घुसे। अभी क्या होते हैं, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं और किसी किसी चौल में भी ऐसे होते हैं, आगे भी दरवाजे होते हैं पीछे भी दरवाजे होते
होते तो पीछे के दरवाजे से वो घुसे। अभी हम लोगों ने देखो इस तरह से ये पैराग्राफ रीड किया है, तो अभी उत्तर लिखिए। दूसरी इकाई पार्ट पांच परिच्छेद क्रमांक एक कृति दो। ओके, तो अभी दूसरी इकाई देखो। अभी बुक में से आप लोग किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये है आपका बुक, फिर इसमें कि ये जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में से ये रही ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, पांचवी लेसन है, पांचवा लेसन है। ओके, और उसमें का ये परिच्छेद क्रमांक एक पेज नंबर कौन सा है, 68। परिच्छेद यानी पैराग्राफ, ये रहा। ये देखो यहां पर है, ठीक है। देखो अम्मा हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। और ये है लेसन ईमानदारी की मूर्ति। अभी उत्तर लिखिए। लेखक द्वारा संतरी को दी गई सूचनाएं, तो जैसे ही वो लोग आए थे गाड़ी लेकर तो उन्होंने क्या सूचना दी, लेखक ने क्या सूचना दी, संतरी को हिदायत दी। ये देखो, बदन में झुरझुरी आने लगी, क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। तो बदन में झुरझुरी आना, बातचीत के समय बिताने का परिणाम, बातचीत में समय बिताने का परिणाम क्या हुआ, सॉरी यहां पर है, बातचीत में समय बिताने का परिणाम देर हो गई, ठीक है। उसके बाद तीन को गद्यांश से ऐसे दो शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। दूसरी इकाई पार्ट पांच जिसमें हम लोग वचन नहीं बदल सकते हैं, तो जैसे जिसका वचन नहीं बदला जा सकता, वो जैसे गाड़ी गाड़ियां, सवारी सवारियां, वैसे आई थिंक सैल्यूट आएगा, सैल्यूट नहीं बोलते हैं ना हम लोग, सैल्यूट ही आता है। तो एक है सैल्यूट, और किचन, किचने नहीं बोलते हैं ना, किचन। ओके, और कुछ है तो आप लोग ढूंढ लो भाई, दो ही जवाब लिखने हैं तो मैंने आपको बता दिए दो। उसके बाद है ख, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। दूसरी इकाई, अरे वही है दे रहे हो लोग, ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो शब्द युग्म में क्या क्या आएगा, जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, जैसे है सैल्यूट वैल्यूट, और क्या है पूछताछ आई थिंक। ओके, ये भी होगा शायद झुरझुरी, बातचीत, ओके। फिर है नेक्स्ट, दादा दादी के प्रति मेरा कर्तव्य विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी आपके दादा दादी, दादा दादी यानी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, जो पापा के मम्मी पापा होते हैं ना, उन्हें हिंदी में दादा दादी कहते हैं।
और मम्मी के जो मम्मी पापा होते हैं उन्हें कहते हैं नाना नानी। अगर नाना नानी तो समझ जाना कि मम्मी के मम्मी पापा है, और दादा दादी कहेंगे तो समझ जाना पापा के मम्मी पापा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो उनके प्रति एज अ ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो आप लोगों को इसमें लिखना है। ओके, अरे भाई कोशिश तो करो, पहले ही पैम पूम क्या करते हो तुम लोग। अभी हम लोग देखते हैं प्रश्न पहला ई, अ आ हो गया हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं ई तक। इन केस समझो आप लोगों को प्रश्न पहला अ आया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको आ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और आपको ई आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो आ के लिए आप लोग जगह वहीं पर छोड़ दोगे, ओके, और फिर ई कंटिन्यू करो। सोचते बैठने में समय आप लोगों को नहीं गवाना है, ठीक है। तो जो आ रहा है पहले, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दो, जो आ रहा है पहले उसे लिखना, बाद में वो जो नहीं आ रहे ना उसके बारे में बाद में सोचते बैठो तुम लोग, ओके। तो तुम लोग का समय भी बचेगा और मार्क्स भी तुम लोगों को मिलेंगे। तो कोई कोई बच्चे ना अटक ही जाते हैं, तो आगे लिखते ही नहीं है, वही बैठ जाते हैं सोचते 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 सोचते। तो ऐसे बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो भाई, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं अनुसार कृतियां कीजिए, इसके 4 मार्क्स है आपको। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही, तो वो बिल्ली का बिलुंगड़ा लेसन में कहा ये, फिर मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, यानी वो बिल्ली को बंद करने के लिए है ना, कटघरा यानी जेल होता है, तो वो कुछ वो लेके आए कि जिसमें वो बिल्ली को बंद करके रखेंगे, ठीक है। सतर्क होना यानी अलर्ट होना, इसका लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसी बहाने से देखोगे तो आपको पूरा लेसन समझ में आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पैराग्राफ आपको एग्जाम में आएगा, लेसन में का कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। फिर बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। अबे हम लोग कैसे वो चूहा फंसाने के लिए पिंजरे में हम लोग क्या रखते हैं, भजिया रखते हैं, कुछ भी रखते हैं ना, तो उसी तरह से बिल्ली को फंसाने के लिए जब उन लोगों ने वो कटघरा लेकर आए, तो उन लोगों ने उसके अंदर क्या क्या रखा, उसकी पसंद की दूध मलाई चूहे, उन्होंने उसके अंदर जो जो भी वो बिल्ली को पसंद थे वो सारे व्यंजन यानी फूड, उसके पसंदीदा फूड उसमें रखे। लेकिन वो बिल्ली भी थी बहुत होशियार, वो समझ गई कि अभी ये लोग मुझे क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, इसके लिए उसने वहां पर देखा भी नहीं, निगाह तक नहीं डाली यानी उस ओर उसने नजर भी नहीं डाली। समानार्थी शब्द नजर निगाह। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई यानी गुस्सा आ गया उसको, सरगर्मी यानी बहुत गुस्साना। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। अभी वो जो बिल्ली थी ना, तो वो बिल्ली इतने डिस्टेंस में खड़ी थी क्योंकि वो रामू की बहू से डरती थी ना, वो तो ऐसे डिस्टेंस में खड़ी थी कि वो उसे हाथ न लगा सकी। कबरी ने हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। अभी कबरी जो थी ये बिल्ली, वो अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो उसकी वजह से ये जो रामू की बहू थी उसका घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सांस की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, और उसके जो सास थी
वो उसे झिड़कियां यानी चिलम चिली करते ना सांस वैसे, और पति को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया, वो गोल्डन ना आप लोग मिठाई के दुकान में देखते हैं ना, वो सिल्वर एंड गोल्डन ऐसा चमकीला वो डालते ना, उसको बोलते हैं सोने का वर्क के। और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। अभी उन्होंने सब अच्छा से बादाम पिस्ता मखाने सब दूध में मेवे बीवे सब डालकर वो दूध को अटाया उन्होंने। हाँ, जो कम करते हैं ना वो दूध को गाढ़ा करते हैं अटा के, तो अटा किया अटाया उसको और फिर उसके ऊपर वर्क चिपकाया तो अच्छा दिखता है ना थोड़ा शो ऐसा। और फिर उस कटोरे को कहाँ पर रखा उन लोगों ने, ऊंचे ताक पर रखा कि वहां पर बिल्ली न पहुंच सके। और जो रामू की बहू थी वह पान लगाने में बिजी हो गई, ठीक है, पान लगाने लग गई। बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। अभी देखो तो बिल्ली है भाई, उसे तो थोड़ी भी खुशबू आ जाती है, कहीं पर भी रखो तुम लोग तो। उसको पता चला कि इसके ऊपर कुछ तो रखा हुआ है, तो फिर उसने ऐसे सोचा कि हाँ कुछ तो यहाँ पर अच्छा माल रखा हुआ है। ताक की ऊंचाई अंदाजी, और उसने एक अंदाज लगाया। अभी बिल्ली जब भी जंप करती है तो अंदाजा लगाती है ना, तो उसने भी अंदाजा लगाया। और रामू की बहू पान लगा रही है, और उसने वो भी देखा कि रामू की बहू भी बिजी है पान लगाने में। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई, और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। और जैसे ही उसने छलांग लगाई बिल्ली ने, तो वो कटोरे को उसका हाथ लग गया और वो कटोरा जो था नीचे गिर गया, फर्श यानी फ्लोर के ऊपर से। कहाँ पर गिरा? वो फ्लोर के ऊपर गिरा। और जो बिल्ली का हाथ होता है उसे कहते हैं पंजा, पंजा कटोरे में लगा। फिर आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े। अभी वो कांच का था तो पूरा टूट गया, फूल का यानी आई थिंक कांच का ही होगा। खीर फर्श पर, और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। अभी वो फर्श पर यानी जमीन के ऊपर वो सब खीर था वो गिर गया, और वो जो बिल्ली थी वो सब क्या कर रही है, वो मजेदार जो खीर है वो उसे खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत चंपत हो जाना यानी भाग जाना, गायब हो जाना। ओके, तो ये है ये पैराग्राफ। पूरा लेसन आप लोग अगर सुनोगे तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया लेसन है ये, ठीक है। तो एक आकृति पूर्ण कीजिए, जो मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि आप लोगों को आकृति में ये जो है पेन से ही ये लाइंस निकालने हैं बॉक्स, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोर्चा बंदी के दो छोर कौन से है भाई? मोर्चा बंदी के दो छोर यानी टू एंड्स, क्या है छोर यानी एंड, क्या है बिल्ली को फंसाने का कटघरा। तो अभी दो छोर यानी टू एंड्स, ओके, छोर यानी एंड। तो क्या था टू एंड, क्या था? रामू की बहू रहेगी या तो वो बिल्ली, सॉरी कहाँ गया, हाँ कबरी बिल्ली रहेगी, कबरी बिल्ली, ओके, या तो फिर रामू की बहू, या तो रामू की बहू घर में रहेगी या वो कबरी बिल्ली। तो टू एंड थे ना ये, या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगी घर में, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे टू एंड्स, ओके। दो, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। बिल्ली को चूहों के अलावा स्वादिष्ट लगने वाले दो व्यंजन। अभी बिल्ली चूहे खाती है वो तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा उसे और क्या पसंद है? तो
है देखो दूध, मलाई है ना, और फिश भी तो पसंद है ना, मच्छी, तो मच्छी ये सब उसे पसंद है। ओके, फिर उसके बाद टू में लिखा हुआ है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा यानी अंधश्रद्धा को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? वो सुपरस्टिशंस जो होते हैं ना, उसके ऊपर आप लोगों को 25 से 30, 25 to 30 वर्ड्स में अपने विचार प्रकट करने हैं। इट मीन्स दिस इज स्वमत। ओके, जो लोग मानते हैं ना सुपरस्टिशंस को, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट लिया अभी मेरा काम नहीं होगा ऐसे, हाँ तो बीमार हो गए हैं तो वो मंत्री के पास लेके जाओ फिर उससे झाड़ फूक करो, तो इस तरह से। ओके, ग्रहण आता है तो उसके ऊपर लोगों को अंधश्रद्धा है, उस पर अमावस के ऊपर भी अंधश्रद्धा है लोगों को। तो जो वॉट एवर टॉपिक यू वॉन्ट यू कैन टेक, के आजकल के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अंधश्रद्धा में लोगों को रहना अच्छी बात नहीं है। आजकल साइंटिफिकली, पहले के लोग तो बेचारे गांव के थे, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता था, वो नींबू मिर्ची मारने का उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, पता है क्या तुम लोगों को? वो मैं तुम लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। ये तब तक के लिए सस्पेंस। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अपलोड करती हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप लोग पार्ट 1 करके रखना पूरी तरह से। ओके, कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछना और पूरी कोशिश करना पेपर सॉल्व करने की। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। और एंड में मैंने फोटो में भेज रही हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, चलो देन बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मैं इस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार सही, एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक, तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में। सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, गोल में उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट है ना, तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है, और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।